हाँ वेट करना, वेट करना। हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली सुबह के, एक ट्रक जो है जिसका नंबर हमारे साथ शेयर हुआ था दिल्ली से कश्मीर की तरफ जा रहा है, जिसमें बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। हमने नाका लगा दिया एनटीएफ की टीम ने और हमने उस ट्रक को इंटरसेप्ट किया। जब उसकी चेकिंग हुई हमें 18,000 के करीब स्पाज्मो प्रॉक्सीवान के कैप्सूल उसमें से मिले और करीबन 6700 बोतल जो है वो हमें कोडिन फॉस्फेट, दोनों बैंड ड्रग्स हैं, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस की लिस्ट में आती हैं। एनडीपीएसए एक्ट की कुछ धाराएं इसमें अट्रैक्ट हुई हैं और केस एनडीपीएसए के तहत इसमें लगाया गया। कुल मिला के 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनमें से एक सिग्निफिकेंट अरेस्ट जो है, इंपॉर्टेंट अरेस्ट जो है वो अमित सक्सेना का है। अमित सक्सेना दिल्ली से नार्को का एक बड़ा डीलर है, वहाँ का बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है और 2 दिन पहले हमने एक सलमान अली नाम का एक आदमी वहाँ से गिरफ्तार किया था, वो भी बड़ा एक नार्को डीलर था। ये दोनों सलमान और अमित पिछले 3 साल से जम्मू पुलिस को वांटेड थे, एंटी नार्कोटिक्स एनसीबी हम सब लोग इनकी तलाश में थे और आज हमें ये बड़ी कामयाबी मिली है। इन दोनों की गिरफ्तारी से हमें पूरे का पूरा जो नेक्सस है, जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस का जो नेक्सस है दिल्ली से आगरा से जो चल रहा है, नॉर्थ इंडिया में जो सप्लाई हो रहा है, कहाँ इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन हैं, कौन इनके रिसिपिएंट्स हैं और प्लस इसमें कुछ हमें हवाला ट्रांसैक्शंस का भी लग रहा है कि इसमें एक इन्वेस्टिगेशन में एक परतें खुल के आएंगी। जैसे जैसे नई इन्वेस्टिगेशन में कुछ परतें सामने आएंगी आपके साथ अकॉर्डिंगली शेयर कर दी जाएगी।